और अब बारी है क्लास 12 आईपी एग्जामिनेशन की। आइए जानते हैं इस एग्जाम की तैयारी को किस तरह से किया जाएगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस एग्जामिनेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, पेपर का स्ट्रक्चर क्या होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आपने उनको अटेम्प्ट करना है, आइए जानते हैं। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस के इस एग्जाम के अंदर 7 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के, हर एक यूनिट में से रहेगा एक क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहेंगे यूनिट नंबर 3 में से, 2.5 क्वेश्चन रहेगा यूनिट नंबर 2, जावा की यूनिट है ये, और एक 0.5 क्वेश्चन रहेगा आपका यूनिट नंबर 4 आईटी एप्लीकेशंस में से। तो इस तरह से यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, टोटल क्वेश्चन रहेंगे। एग्जाम स्ट्रेटजी के अंदर सबसे पहले आप तैयार करेंगे माई एसक्यूएल, ईजीएस्ट पार्ट है, मैक्सिमम मार्क्स होते हैं इसके। फिर उसके बाद नेटवर्किंग एंड ओपन नेटवर्क को आपने तैयार करना है, आईटी एप्लीकेशंस का नंबर रहेगा 3rd, और जावा को आपने सबसे लास्ट में तैयार करना होगा, जिसके अंदर HTML, XML ये भी चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए। तो इस सीक्वेंस में तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो मार्क्स गेन करने के लिए एक बेटर स्ट्रेटजी इसको माना जा सकता है। अब इतना आपको जरूर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बुक को आपको फॉलो करना होगा, तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपको इन एग्जामिनेशन के दौरान फॉलो करनी होगी। जहां तक बुक्स की बात है, सबसे बेटर तो है आपके लिए NCERT बुक और उसकी एक्सरसाइज। जितने भी अनसॉल्व क्वेश्चन हैं उन्हें ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बाय सुमिता अरोड़ा एटसेट्रा या जो भी आपको आपके स्कूल में बुक लगवा रखी है, इन बुक से आपको एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। NCERT और सुमिता अरोड़ा के अलावा आप CBSE की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल CBSE सैंपल पेपर्स को, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, उसको सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा आप ओसवाल का सैंपल पेपर भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस तरह से आप सही बुक्स का सिलेक्शन करेंगे तो एग्जाम्स के अंदर डेफिनेटली मार्क्स गेन करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब हम जानते हैं यूनिट वाइज हमें किस किस चैप्टर में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्शन पे ध्यान देना है, कौन कौन सा वो इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो एग्जामिनेशन में जनरली आता है, अपीयर होता है, आइए जानते हैं यूनिट वाइज। यूनिट फर्स्ट नेटवर्किंग एंड ओपन स्टैंडर्ड्स, 10 मार्क्स की यूनिट। सबसे पहले आप तैयार करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज, देयर कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, डिफरेंस अमंग वेरियस टोपोलॉजीज, कम्युनिकेशन मीडिया, गाइडेड अनगाइडेड, विच इज यूज्ड वेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल मीडिया, एप्लीकेशन ऑफ रिपीटर्स, गेटवे, ब्रिजेस, व्हेन आर दे यूज्ड, वेयर आर दे यूज्ड, खासतौर पर याद रखना है ऑल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, जिसके अंदर FTP, SMTP, HTTP, फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनॉम्स, जितने भी एक्रोनॉम्स सभी की फुल फॉर्म अच्छे से याद करेंगे, सिक्योरिटी थ्रेड्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड इन गिवन सिचुएशन, ओपन एंड प्रायोरिटी स्टैंडर्ड्स, इस तरह से चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1 आपको लर्न करनी होगी। अब बारी है यूनिट नंबर 2, जावा नेट बीन्स। आपको इसके अंदर आइडेंटिफायर्स करना है, इफ एल्स स्विच केस के बारे में जानना है, उसमें डिफरेंस क्या है, उनके आउटपुट को प्रेडिक्ट करना है। इसके अलावा क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफॉल्ट एंड फॉल थ्रू, उन्हें अच्छे से करना है। लूपिंग क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। पिछले सालों की अगर बात करें तो इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो लूपिंग क्वेश्चंस को आपने अच्छे से करना होगा। डिफरेंस बिटवीन लूप्स क्या हैं, प्रिडिक्टिंग आउटपुट ऑफ द कोड्स एटसेट्रा, इन चीज़ों को करना चाहिए। फाइंडिंग एरर इन द कोड्स, ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू, तो इन टॉपिक्स को अच्छे से ध्यान रखिए। इनको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार इनकी केस स्टडीज कीजिए। एग्जामिनेशन में यूनिट नंबर 2 में से ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है। इसके अलावा इन कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज और मेथड को आपको अच्छे से याद करना है। टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, कॉम्बो बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, पासवर्ड फील्ड, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, इज एनेबल्ड, इज एडिटेबल, मेथड्स वगैरह, इन सभी चीज़ों की बार बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्ट्रिंग मेथड्स, इनको अच्छे से तैयार कीजिएगा।
कोडिंग पार्ट में से एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक या रेफरेंस बुक इन सभी के अंदर दिया जाता है। तो कोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन की आपको अच्छे से लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जहां तक HTML, XML पार्ट की बात है, इनके बीच में डिफरेंसेस करना है, कुछ टैग्स के बारे में जानना है, लिस्ट, टेबल, इमेज, एंकर, इनके बारे में आपको यहां से इस पोर्शन में से तैयार करना होगा। अब जानते हैं यूनिट नंबर 3, MySQL, 30 मार्क्स की यूनिट रहेगी। इसके अंदर DDL, DML, डिफरेंसेस, सेग्रीगेशन ऑफ कमांड, इसको तैयार करना है। MySQL फंक्शन, न्यूमेरिक, स्ट्रिंग, डेट, जॉइन क्वेरीज, क्रिएट टेबल कमांड्स, अप्लाइंग रिमूविंग कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन अ टेबल, डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप, इंसर्टिंग, ड्रॉपिंग कॉलम्स, सिंपल क्वेरीज ऑन टेबल और प्राइमरी की को आइडेंटिफाई करना, फॉरेन की को आइडेंटिफाई करना, ये पोर्शन MySQL में से अच्छे से आपका तैयार हो जाना चाहिए। फोर्थ यूनिट IT एप्लीकेशन, 5 मार्क्स। इसके अंदर आपको ई गवर्नेंस, ई बिजनेस, ई लर्निंग, डेफिनेशन एंड एडवांटेजेस, एक कॉमन मैन को इसकी क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, इस यूनिट में से जनरली क्वेश्चन इन्हीं टाइप्स पे, इन्हीं बेसिस पे पूछा गया है। तो इनको आप अपनी NCERT बुक में से, सैंपल पेपर में से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से जरूर तैयार कीजिएगा। लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि डोंट फॉरगेट टू रिवाइज ऑल द प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स। जितनी भी पिछले सालों में प्रॉब्लम्स आई हैं, उन्हें एक बार अच्छे से जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी बताई गई बातें आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली आपको हाईएस्ट परफॉर्मेंस अचीव करवाने में मददगार होंगी। ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन।